मैं सब भाइयों का शुक्र अदा करता हूं जो जेडीएस ज्वाइन करे हैं, क्योंकि पिछले बार वोट देकर हम लोग देख चुके हैं, इस बार नया चेहरा है, काम वाला चेहरा है। आज जो काम करने वाला है पब्लिक के बीच में आके देखते रहेंगे लोग इंशाल्लाह। साजिद भाई को ही वोट दीजिए, बाकी के जो भी लोग हैं कैंडिडेट हैं ब्रोकर जैसे हैं। 3 तारीख को मालूम होगा कि वोट किधर पड़ने वाला है और 6 तारीख को इंशाल्लाह इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं महले जिलानाबाद जो वार्ड नंबर 27 में आता है, मैं आवाम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि लोग जैसे जैसे दिन चले आते जा रहे हैं खरीफ इलेक्शन के, वैसे वैसे लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसा जैसा काम देख रहे हैं, लोग को मालूम है कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है बोलते, कौन कॉरपोरेटर है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, आज लोगों को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहा है मेरी ताकत वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनता दल सेक्युलर नासिर हुसैन उस्ताद साहब का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, इस बार मुझे बी फॉर्म जो है पहले लिस्ट में मुझे डिक्लेयर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाल्लाह उस चीज़ का रिजल्ट दूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। मैं सब भाइयों का शुक्र अदा करता हूं जो जेडीएस ज्वाइन करे हैं और मुझे मेरी हिम्मत अफजाई किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ने वाले हैं मेरे साथ, मेरे माँ बहनें हैं, मैं उनका वीडियो नहीं बता रहा। इंशाल्लाह रिजल्ट 3 तारीख को मालूम होगा कि वोट किधर पड़ने वाला है और 6 तारीख को इंशाल्लाह इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मैं मिर्ज़ा आदिल बेग वार्ड नंबर 27 जिलानाबाद से आज ये कमिटमेंट कर चुका हूँ साजिद भाई को कि हम इनको वोट देकर इनको जिताएंगे और महले की तरक्की करेंगे। और मेरी गुजारिश है तमाम वार्ड नंबर 27 के लोगों से कि आप लोग साजिद भाई को ही वोट दीजिए, बाकी के जो भी लोग हैं कैंडिडेट हैं ब्रोकर जैसे हैं और हमारे दलाली करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ना वोट देकर, क्योंकि पिछले बार वोट देकर हम लोग देख चुके हैं, इस बार नया चेहरा है, काम वाला चेहरा है। तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वार्ड नंबर 27 से सिर्फ और सिर्फ साजिद कल्याणी को वोट दीजिए। जेडीएस पार्टी से कैंडिडेट हैं जिनका निशान है भारे वाली औरत, तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ साजिद कल्याणी को वोट दीजिए और उन्हें कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज एक ऐसा माहौल हुआ है जिलानाबाद के अंदर, तारीखी माहौल है, वार्ड नंबर 27 ऐसे कई कैंडिडेट आए और चले गए, ये मेरा 5वां इलेक्शन है, ऐसा कैंडिडेट तो मैं नहीं देखा आज तक। आज जो काम करने वाला है पब्लिक के बीच में आके देखते रहेंगे लोग इंशाल्लाह। मैं तमाम वार्ड नंबर 27 से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साजिद कल्याणी को वोट दे के जिता के लाना है। ये साजिद कल्याणी का निशान है भारत वाली भारी वाली औरत, और ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलने वाला है, हर वो चीज़ में आने वाला है, रात को 2 बजे बोलो 3 बजे बोलो क्या भी काम करने वाला है।